गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए शुरू किए गए तहफ्फुज़ वक्फ एपिसोड का असर देखा जा रहा है। तहफ्फुज़ वक्फ के अब तक 2 एपिसोड किए गए हैं, जिसमें अवाम से गुजारिश कर कहा गया था जहां कहीं वक्फ जायदादों पर इल्लीगल कब्जे नजर आए तो गुलबर्गा हेडलाइंस से राबता कर सकते हैं। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट अलंग तालुका की अवाम ने गुलबर्गा हेडलाइंस से राबता कर कई इल्लीगल कब्जों की जानकारी और दस्तावेज हम तक पहुँचाए हैं। तमाम दस्तावेज और शिकायत के बाद गुलबर्गा हेडलाइंस टीम ने गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से सवाल किए और अलंग तालुका में मौजूद वक्फ जायदादों के तहफ्फुज़ का मुतालबा किया गया, जिसके नतीजे में गुलबर्गा वक्फ बोर्ड चेयरमैन और दीगर तमाम जिम्मेदारों ने गुलबर्गा हेडलाइंस टीम के साथ अलंग तालुका में मौजूद वक्फ इदारों पर हुए कब्जों का हंगामी दौरा किया है। इस हंगामी दौरे के बाद ये मालूम हुआ है कि यकीनन अलंग में कई एक वक्फ की अहम जायदादों पर गैर कानूनी कब्जे किए गए हैं। इस वीडियो में अलंग तालुका के 3 अलग अलग वक्फ जायदादों की डिटेल आपको बताएंगे जहाँ इल्लीगल कब्जा किया गया है। अलंग तालुका में सर्वे नंबर 221, 222, 369 और 370 वक्फ की ज़मीन पर गैर कानूनी प्लॉटिंग कर ज़मीन बेचा जा रहा है, जो वक्फ इंस्टीट्यूट आसार मुबारक की गजट नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी है। और इसी तरह सर्वे नंबर 405 और 406 पर भी कई गैर कानूनी कब्जे देखे गए हैं, जो वक्फ इंस्टीट्यूट मस्जिद फतेह सुल्तान की वक्फ गजट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है। और सर्वे नंबर 513 पर भी गैर कानूनी कब्जा कर तामीरी काम शुरू करने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जो कि दरगाह हजरत लाडले मशायख अंसारी की गजट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है। और इसके अलावा अलंग में कई एक सर्वे नंबर ऐसे सामने आए हैं जो वक्फ गजट नोटिफाइड प्रॉपर्टी होने के बावजूद ज़िला इंतजामिया के नाक के नीचे बेचे और ख़रीदे जा रहे हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी खामोश तमाशा ही बना बैठा है। इन तमाम सर्वे नंबर का भी खुलासा पूरे दस्तावेज मिलने के बाद आवाम के सामने पेश किया जाएगा। अगर अलंग तालुका में मौजूद इन तमाम ज़मीनों की तफसील देखी जाए तो ये कई हज़ार करोड़ रुपयों की प्रॉपर्टी है, जिसको कुछ लोग दीमक की तरह खोखला कर ख़त्म कर रहे हैं। गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी वेलफेयर एंड वक्फ मिनिस्टर जनाब बीजर जमीर अहमद खान से पुरजोर मुतालिबा किया जाता है कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की वक्फ प्रॉपर्टी का तहफ़ यकीनी बनाने और अब तक किए गए इल्लीगल कब्जों पर एक इंक्वायरी कंडक्ट कर रिपोर्ट आवाम के सामने पेश करने की गुजारिश की जाती है। इस मामले पर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड चेयरमैन और अलंग तालुका वक्फ बोर्ड मेंबर ने क्या कहा, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और आपके नज़र में जहां कहीं वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जे किए जाएं तो गुलबर्गा हेडलाइंस तक दस्तावेज और दीगर किसी भी तरह की मालूमात पहुंचा सकते हैं। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। Contact and visit school for more details. समर साहब, जिस तरह से आप जानते हैं गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए तहफ्फुज़ वक्फ एक सीरीज का हमने आगाज किया है और जिस तरह से एपिसोड चल रहे हैं, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट तालुका अलंग से भी हमको कई कंप्लेंट्स आई थी, जिसके बाद हमने आपको अप्रोच हुआ, आपने वहाँ पे सर्वे किया, सर्वे करने के बाद क्या क्या वहाँ पे आपको मालूमात हुए, किन सर्वे नंबर्स के वहाँ पर कब्जा किए गए हैं, इम्प्रूवमेंट हुए हैं, कौन कौन कब्जा किए हैं, क्या है, तमाम डिटेल बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले तो मैं गुलबर्गा हेडलाइंस की टीम को, स्पेशली गुलबर्गा हेडलाइंस के सीईओ आली जनाब वसीम शेख साहब को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने कम्युनिटी को आज जिस चीज़ की ज़रूरत है, तहफ़्फ़ुज़ वक्फ़ वक्फ़ की जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के नाम से आपने एक कम्प्लीट सीरीज़ चलाई है, जिसमें आप अपने चैनल के ज़रिए गुलबर्गा की वक्फ़ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं। और हमारा भी तयक़ुन आपको ये है कि इस सीरीज़ में जहाँ भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और आपका सपोर्ट हमें इस मामले में मिला, ये हमारी खुशनसीबी है। रही अलंद तालुक़े की बात तो आपको जो कंप्लेंट्स आए हैं, उस तरीके से कई कॉल्स आपके एपिसोड्स चलने के बाद मुझे भी अलंद तालुक़े से आए और कई लोगों ने कुछ दस्तावेज़ात भी व्हाट्सएप के ज़रिए हम तक भेजे और वहाँ पर यह बताया गया कि अलंग तालुक़े में और बिलखसूस अलंग सिटी के अंदर कई प्राइम प्रॉपर्टीज़ पर इंक्रोचमेंट हुआ है और वहाँ की कई प्राइम प्रॉपर्टीज़ आज गैर कानूनी हाथों में हैं और वहाँ पे प्लॉटिंग करके बेचने का काम चल रहा है। तो दो दिन पहले, आज से दो दिन पहले DWC मेंबर्स, वाइस चेयरमैन और हज़रत अली नदाफ साहब, डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के जो वक्फ़ ऑफिसर हैं, उनके हमरा हम अलंग के दौरे पर थे। वहाँ पर एक चीज़ मुझे ये देखने मिली है कि एक मामला वहाँ पर ये चल रहा था सोशल मीडिया में, जो बहुत ज़्यादा आ रहा था, सर्वे नंबर 513 का, कि वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर कुछ काम चल रहे हैं और फार्म हाउस बनाने की वहाँ पर इलीगल तौर पर कोशिशें की जा रही हैं। मैं वहाँ पर जब पहुँचा तो वहाँ पर JCP से कुछ काम हो रहा था, लेबर्स लगा कर काम हो रहे थे, तो हमने इमीडिएट जाकर वहाँ पर काम को रुकाया और काम को रुकाने के बाद वहाँ पे जो टेनेंट्स हैं,
वहाँ के जो काश्तकार हैं, वहाँ के जो करदा हैं एज़ पर दी वक्फ एक्ट, वो हमारे पास आए। हमारे पास आकर उन्होंने कहा कि हम इस जगह को वक्फ बोर्ड की ही जगह मानते हैं, दरगाह हज़रत लाडले मशाइख अंसारी की ही जगह मानते हैं, और हम चूँकि दरगाह हज़रत लाडले मशाइख अंसारी के खादिमीन हैं, वहाँ पर काम करते हैं, मैनेजिंग कमेटी में हैं, तो ये हमारे पास हमें करके खाने के लिए दी गई लैंड है। तो वहाँ पर मुझे बात करके एक चीज़ ये महसूस हुई, मैं आवाम को इस बात को शेयर करना चाहता हूँ कि दरगाह हज़रत लाडले मशाइख अंसारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि नहीं, बल्कि गुलबर्गा के कई इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहाँ पर इनामी लैंड दी गई है, सर्विस इनाम लैंड जो सर्विस रेंडरिंग के लिए दी जाती है। अब यहाँ पर सर्वे नंबर 513 की अगर हम बात करें, तो सर्वे नंबर 530 का केस अगर आप देखेंगे, सेक्शन 54 में इम्प्लीमेंटेशन किया गया और 2010 से वो केस चल रहा है। 2010 से कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ केस चला रही है, जिसका केस नंबर है 54/331/GBA/2010। इसके तहत ये सर्वे नंबर 513 का केस चल रहा है और इंक्रोचमेंट के खिलाफ कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ केस चला रही है। ये सेक्शन 54 का जजमेंट 2020 में होता है। 2021 में कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ की तरफ से एक एप्लीकेशन बिफोर द वक्फ ट्रिब्यूनल फाइल किया जाता है फॉर द इविक्शन ऑफ सेड लैंड। अब वहाँ पर हम जाकर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लोग बता रहे हैं कि हम इसको वक्फ ही मान रहे हैं, हमारा कहीं पर भी ये कहना नहीं है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। तो फिर मैंने उनसे ये पूछा कि अगर आपका ये मानना है कि ये वक्फ ही की प्रॉपर्टी है, तो फिर ये 2010 से केसेस क्यों चल रहे हैं? 2010 से केसेस चल के 2020 में आपके पास जजमेंट आता है, 20 में फिर 21 में एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल में फाइल होती है, तो ये क्या है? तो उन्होंने ये मुझे बताया कि हमने कभी भी किसी के सामने ये नहीं कहा कि ये वक्फ की जायदाद नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हम इनामदार हैं और इनामदार की हैसियत से हम यहां पर काम कर रहे हैं और दरगाह की खिदमत कर रहे हैं, तो यहां पर मामला ही हल है। मैंने उनसे कहा जब 2010 से आप केस चला रहे हैं तो वक्फ बोर्ड का भी टाइम वेस्ट है, आपका भी टाइम वेस्ट है, वक्फ बोर्ड का भी एसेट वेस्ट है, आपका भी एसेट वेस्ट है। आप एक काम करिए, एक 200 के ई स्टैम्प के ऊपर आप एक अंडरटेकिंग दीजिए वक्फ बोर्ड को कि हम ये वक्फ बोर्ड की जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन मानते हैं, अगर ये दरगाह के नाम पर भी अगर चले जाती है तो इससे मेरे को कोई एतराज़ नहीं, हम यहाँ पे चूंकि खादिम हैं दरगाह के, हम यहाँ पर अपने इनाम को क्या है मालूम इस्तेमाल करेंगे, तो हम आपको लीगली तौर पर वहाँ पर पेरावे के लिए परमिशन देते हैं। तो उन्होंने उस बात के लिए एग्री किया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कई सर्वे नंबर्स पर इनिशिएशन नहीं हुआ है, बात करने की पहल नहीं की गई है। अब वही बता रहे हैं कि 2010 से केस चल रहा है, आज तक हमारे पास आकर किसी ने हमसे बात नहीं की, हमें इस तरीके से समझाया नहीं। हम समझ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के नाम पे अगर चले जाएगा तो वक्फ बोर्ड आके कब्जा कर लेगा। मैं कॉमन अल्फाज में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो इनामदार हैं वही उस जमीन पर रहेंगे, वही उस जमीन की आमदनी से अपना खर्चा चलाएंगे, उसमें 7% यानी 7% वक्फ कॉन्ट्रीब्यूशन के तौर पर आपको कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ को देना है, और 93% के आप कुल मालिक हैं, आपको अपने तरीके से उसको इस्तेमाल करने की इजाजत है। इंस्टीट्यूशन का जो रेवेन्यू है, इंस्टीट्यूशन के रेवेन्यू के अंदर 30% एजुकेशन, 5% हेल्थ, 7% वक्फ कॉन्ट्रीब्यूशन और रिमेनिंग डेवलपमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन के लिए लगाने का प्रोविजन है। मैंने जब अलंद का दौरा किया है 513 के साथ साथ कई सर्वे नंबर्स मैंने वहां पर देखे हैं जिसमें आज इलीगल तौर पर लेआउट्स फॉर्मेशन करने का काम हो रहा है। बिलखसूस अगर मैं बताऊं, सर्वे नंबर 221, 222 और सर्वे नंबर 223, सर्वे नंबर 221, सर्वे नंबर 222 और सर्वे नंबर 223, ये आसार मुबारक दरगाह हजरत लाडले मशाइख अंसारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की गजीट नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी है। इसमें अगर कोई साहब किसी के बहकावे में और प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स देखकर अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, प्लॉट्स ले रहे हैं, नोटरी पर अगर कुछ प्लॉट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आगे आने वाले नुकसान के जिम्मेदार आप होंगे। ये कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ का प्रॉपर्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। उसके बाद सर्वे नंबर 405 एंड 406, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मस्जिद फतेह सुल्तान अलंद शरीफ। ये सर्वे नंबर 205 और सर्वे नंबर 206, ये जो सर्वे नंबर्स हैं इस पर भी गैर कानूनी कब्जा जात की हमें इत्तला मिली। वहां पर जाकर देखा तो हमने वहां पर पोजेशन में भी कुछ लोग गैर कानूनी तौर पर हैं। मैं यहां पर भी इस बात को कहना चाहता हूं, सर्वे नंबर 205 और सर्वे नंबर 206, ये जो सर्वे नंबर्स हैं ये मस्जिद फतेह सुल्तान की इनामी लैंड है और गजीट नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी है एज पर द गजीट 1974।
अगर इसमें भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आप लोग अपने नुकसान के जवाबदेह आप हैं। ये जितने भी सर्वे नंबर्स हमने वहां पर देखे हैं, इन तमाम सर्वे नंबर्स पर मैंने डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर के जरिए बैठकर एक रिपोर्ट रेडी कर रहा हूं। वो रिपोर्ट के साथ हम डिप्टी कमिश्नर साहिबा से रुजू होंगे। चूंकि डिप्टी कमिश्नर वक्फ टास्क फोर्स की चेयरपर्सन है और वक्फ प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मोहतरमा की है, तो हम उनसे बात करेंगे और सेक्शन 52 में जितने केस इनिशिएट हो सकते हैं इनिशिएट करेंगे, सेक्शन 54 में जितने इनिशिएट हो सकते हैं इनिशिएट करेंगे, और डिप्टी कमिश्नर से जितने वैकेट करवा सकते हैं इंशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर से वैकेट कराकर ये तमाम सर्वे नंबर्स को इंशाल्लाह बहुत जल्द कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ अपने कब्जे में लेने की और मुतालिका इंस्टीट्यूशन को उनके पोजिशन में वापस देने का काम इंशाल्लाह करेगा। मैं फिर से एक मरतबा आपके ज़रिए से तमाम मुतवलियान से, तमाम कमेटियों से और तमाम शहरियान से दिल की अमीर गहराइयों से गुजारिश करता हूँ कि वक्फ बोर्ड के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, ना सिर्फ गुलबर्गा हेडलाइंस की है, इसके तहफ़ के लिए आपको भी आगे आने की ज़रूरत है। अगर आप आगे नहीं आ सकते तो डिटेल्स हमें प्रोवाइड करिए, जिस तरीके से अलंद के लोगों ने किया है। हम इंशाल्लाह वहाँ पर जाएंगे और 6 से 7 महीने के अंदर इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी करेगी। मैं मुजीब अंसारी DWC डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी का मेंबर अलंद तालुका। आज जो है वक्फ बोर्ड एडवाइजरी कमेटी के सदर और वाइस चेयरमैन मेंबर और वक्फ ऑफिसर हजरत अली नदाफ और सर्वेयर सदरुद्दीन, इनकी तमाम की मौजूदगी में अलंद तालुके की वक्फ की प्रॉपर्टी की आज हमने जायज़ा लिया। लिहाजा उसमें हमने 4-5 प्रॉपर्टीज़ पे, 4-5 इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टीज़ पे विज़िट किया, जिसमें से एक सर्वे नंबर 513 का एक कंप्लेंट आ चुका था हमारे बोर्ड में। वो आने के बाद हमने कुछ दिन पहले हमारे सर्वेयर को वहाँ पे स्पॉट विज़िट करके नोटिस इशू करके उनको भेजे थे, ऊपर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट को हमने नोटिस इशू किया था। उसके बाद आज हज़रत अली साहब और चेयरमैन साहब की मौजूदगी में हमने फिर एक बार स्पॉट विज़िट किया, और जहाँ जो कंप्लेंट हम पे हमारे पास था इंक्रोचमेंट का, अच्छा इंक्रोचमेंट का कंप्लेंट रहने के बाद हमने इंक्रोचमेंट जो वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ जो जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, हमने उनसे मुलाकात की, उनसे बात किया कि आप इलीगल कर रहे हो, कर रहे, तो उन्होंने भी वहाँ से सामने बताया हम इलीगल नहीं कर रहे, हम भी यहाँ के इनामी इनामदार है करके उन्होंने भी बताया। तो इस सिलसिले में हमने उनको कहा कि वक्फ ऑफिस को आप आके तफसील बताइए, तफसील डॉक्यूमेंट आप अपने बताए के आप हमसे रब्ता करिए करके हमने वो बताया। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट